अगर दोस्तों आपके पास एक फ्रेश जीमेल है और दोस्तों उस फ्रेश जीमेल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूट्यूब चैनल बनाते वक्त 10-12 सेटिंग ऐसी ऑन करनी होती है जो दोस्तों न्यू क्रिएटर करते नहीं। एंड दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने चैनल को सर्च पर लाने के लिए क्या करना होगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी सेटिंग ऑफ करनी है, कौन सी सेटिंग ऑन करनी है जिससे कि दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल रैंकिंग पर आए। एंड दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने यूट्यूब चैनल को कैसे कस्टमाइज करना है। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपके पास फ्रेश जीमेल नहीं है तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि जीमेल कैसे बनाते हैं, आप उसे जाकर देख लेना। और दोस्तों मैं आपको जीरो से टॉप लेवल का ज्ञान देने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर ना है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना एंड चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों आपके पास ऑलरेडी एक फ्रेश जीमेल है तो आपको दोस्तों सिंपल से यूट्यूब ओपन कर लेना है। और दोस्तों यूट्यूब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। एंड दोस्तों आपको एक YouTube पर न्यू चैनल बनाना है तो सिंपल से दोस्तों आपको ऊपर की तरफ प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, तो दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे ही प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा एंड आपका वो जीमेल आ जाएगा जिससे आप चैनल बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको एक न्यू चैनल बनाने के लिए योर चैनल पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा एंड आपको यहाँ पर आपको अपने यूट्यूब चैनल का लोगो सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों सिंपल से आपको लोगो सिलेक्ट करने के लिए आपको प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है। और दोस्तों क्लिक करने के बाद आप अपनी सीधे गैलरी पर चले जाएंगे एंड यहां से आपको अपना लोगो सेलेक्ट कर लेना है जो दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल पर लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों सिंपल से हम लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं और दोस्तों सेव प्रोफाइल पिक्चर पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका लोगो सेट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको नीचे की तरफ नेम का ऑप्शन आएगा, तो दोस्तों सिंपल से आप जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखना चाहते हैं आप सोच समझ के नाम रख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल का नेम बनाने के लिए आपको नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड यहां से आप अपने यूट्यूब चैनल का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ से आपको अपने चैनल का नाम एकदम यूनिक रखना है और आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम किसी से मिलता जुलता नहीं रखना है। तो दोस्तों सिंपल से हम अपने चैनल का नाम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं रितिक टैग 99। और दोस्तों ये लिखने के बाद आपको ऊपर की तरफ सेव का आइकन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको अपने चैनल का नाम सेव कर देना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ आपका हैंडल आ जाएगा और दोस्तों इस हैंडल से आप अपने चैनल को मेंशन कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ क्रिएट चैनल का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना, तो आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका चैनल कुछ इस प्रकार से शो होने लगेगा और दोस्तों यहाँ पर प्लेलिस्ट चैनल अबाउट सेक्शन आ जाएगा और दोस्तों यहाँ से आप अपने चैनल का URL कॉपी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपके चैनल की डेट आ जाएगी कि आपने इस चैनल को कब क्रिएट किया है। फिर दोस्तों आपको अपने चैनल को मैनेज करने के लिए आपको ऊपर की तरफ पेंसिल का आइकन दिखेगा, तो दोस्तों सिंपल से आपको उस पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको अपने चैनल का लोगो दिखेगा एंड दोस्तों नेम दिखेगा, हैंडल नेम दिखेगा, URL दिखेगा, यहां से आप अपने URL को कॉपी भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको लोगो के पीछे बैनर का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको अपने चैनल पर बैनर सेट करना है, तो सिंपल से दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना है और यहां से आप अपनी गैलरी पर आ जाएंगे और अपना बैनर सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपसे बैनर बनाते नहीं बनता है तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूंगा, तो आप उसे जाकर देख लेना। अब दोस्तों हम अपने चैनल पर बैनर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसको जूम आउट करके ऊपर की तरफ आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना, तो आपका बैनर लोडिंग होकर सेव हो जाएगा और दोस्तों आपके सामने आपके लोगो के पीछे कुछ इस प्रकार का बैनर दिखने लगेगा। अब दोस्तों आपको नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना एंड यहां से आपको अपने चैनल पर डिस्क्रिप्शन लगा लेना है। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बना रखी है, तो दोस्तों सिंपल से मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। और दोस्तों आपको इसको सेव करने के लिए आपको नीचे की तरफ सेव का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको इसको सेव कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से इसका काम खत्म होता है और दोस्तों आपको अपने YT स्टूडियो को क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट पर आ जाना है और यहाँ से दोस्तों हम अपने चैनल पर 10-12 सेटिंग ऑन करेंगे जिससे कि हमारा चैनल जल्दी सर्च होगा और दोस्तों हमारा चैनल सर्च पर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सीधे क्रोम ब्राउजर पर आना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है YT स्टूडियो। और दोस्तों जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके सामने YT स्टूडियो की वेबसाइट आ जाएगी एंड यहाँ पर आपको सिंगन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे ही आप सिंगन पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे YT स्टूडियो के डेस्कटॉप साइट पर पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों आपको YT स्टूडियो के डेस्कटॉप साइट पर आने के बाद आपको नीचे की तरफ सेटिंग का आइकन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना है, तो आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ चैनल का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की सेटिंग आ जाएंगी, तो दोस्तों सिंपल से आपको बेसिक इन
इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ से आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करना है, जहाँ के भी आप रहने वाले हो आपको वहाँ कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों सिंपल से हम इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ कीवर्ड का आइकन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ से आपको कुछ कीवर्ड लगानी है अपने चैनल से रिलेटेड, जिस तरह का आप कॉन्टेंट बनाना चाहते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर टेक्निकल चैनल बनाया, तो दोस्तों सिंपल से मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ टेक्निकल ऋतिक 99 एंड दोस्तों यहाँ पर इसको कीवर्ड बना देता हूँ। फिर दोस्तों आपको दूसरी तरह का कीवर्ड बनाना है, जैसे दोस्तों मैं बना देता हूँ टेक ऋतिक 99 एंड दोस्तों इसको भी कीवर्ड बना देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक और कीवर्ड लिखेंगे, तो दोस्तों हम कीवर्ड लिख देते हैं ऋतिक 99 टैग एंड दोस्तों इसको भी हम कीवर्ड बना देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपने चैनल से रिलेटेड ऐसे ही कीवर्ड डाल देने हैं। अगर दोस्तों आपने टैग चैनल बनाया है तो आपको मैं स्क्रीन पर एक पॉपअप दिखेगा, तो सिंपल से यहाँ पर इस पर मैं कीवर्ड सजेस्ट कर रहा हूँ, तो आप इसी पर टाइप कर देना। और दोस्तों आपको साइड में एडवांस सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, दोस्तों सिंपल से आपको उस पर क्लिक कर देना एंड यहाँ से आपको उसको जूम आउट करके आपको दोस्तों नीचे की तरफ तीन ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको बीच वाले पर क्लिक कर देना है। मतलब दोस्तों आप ये चैनल बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं। और दोस्तों आपको साइड पर फ्यूचर एजिबिलिटी का ऑप्शन दिखेगा, तो दोस्तों सिंपल से आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ इंटर्म एडिट का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पर अपना फोन नंबर वेरीफाई करना है। और दोस्तों यहाँ से आप अपने फोन नंबर को वेरीफाई करते हैं तो आप थंबनेल को सेट कर सकते हैं और लाइव आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको फोन नंबर वेरीफाई करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलने लगेगा एंड यहां से आप अपना फोन नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल से हम यहां पर आ जाते हैं। और दोस्तों यहां पर आपको अपने नीचे की तरफ अपना फोन नंबर डालना है और वेरीफाई करना है। तो दोस्तों सिंपल से हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं और दोस्तों गेट कोड पर क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों जैसे ही गेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको यहां पर उस ओटीपी को फिलअप कर देना है। और दोस्तों ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको नीचे की तरफ सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सबमिट कर देना और दोस्तों आपका फोन नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से आपको नीचे वाले ऑप्शन पर भी ऐसी वेरीफाई कर लेना है। अब दोस्तों चैनल के नीचे आपको अपलोडेड डिफॉल्ट पर जाना है। और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको साइड में एक एडवांस सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना है एंड दोस्तों यहाँ से आपके सामने चार ऑप्शन आ जाएंगे। फिर दोस्तों आपको यहाँ से अपनी वीडियो की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, तो दोस्तों सिंपल से हम वीडियो की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको नीचे की तरफ वीडियो लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आप जिस तरह की वीडियो बनाते हैं, आप हिंदी में बनाते हैं या फिर किसी और भाषा में बनाते हैं, तो सिंपल से आपको उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपके सामने एक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना एंड यहां से आप अपनी भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जिस तरह की आप भाषा डिस्क्रिप्शन में अपनी डालना चाहते हैं, तो सिंपल से आपको भाषा सिलेक्ट कर लेनी है। और दोस्तों ये सब सेटिंग करने के बाद आपको नीचे की तरफ सेव का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको उस पर सेव कर देना है। अब दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल की सेटिंग एकदम सेट हो चुकी है। अब दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल को क्रोम ब्राउजर पर ही ओपन करना है, तो दोस्तों सिंपल से इसे ओपन करने के लिए आपको प्रोफाइल वाले आइकन पर जाना है एंड आपको ओपन इन न्यू क्रोम टैब पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपके सामने आपका YouTube क्रोम ब्राउजर पर ओपन हो जाएगा। और दोस्तों यहां से आप अपने चैनल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको ऊपर की तरफ थ्री डॉट पर जाना है एंड आपको यहां पर डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है, जिससे कि आपका YouTube चैनल डेस्कटॉप साइट पर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको ऊपर की तरफ कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा और दोस्तों यहां से आप अपने चैनल की सेटिंग को और भी इंक्रीज कर सकते हो। अब दोस्तों आपको चैनल कस्टमाइजेशन पर आने के बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पर चले जाना है। और दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन पर जाने के बाद आपका यहाँ पर चैनल का नाम, डिस्क्रिप्शन एंड दोस्तों यहाँ से आप इंस्टाग्राम की लिंक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल से आपको इंस्टाग्राम की लिंक शेयर करने के लिए आपको नीचे की तरफ लिंक का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है फॉलो माई इंस्टाग्राम। और दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको URL का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम की लिंक पेस्ट कर देनी है। और दोस्तों ये सब काम करने के बाद आपको ऊपर की तरफ पब्लिश का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल से दोस्तों आपको पब्लिश कर देना है, तो आपकी सेटिंग सब सेव हो जाएंगी और आपका चैनल एकदम रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल पर जाते हैं और अबाउट वाले सेक्शन पर चले जाते हैं। और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि आपने जो डिस्क्रिप्शन पर लिखा है और दोस्तों जो आपने इंस्टाग्राम की लिंक दी है, वो यहां पर शो हो रही है। अब दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज अपलोड कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।